हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी फर्स्ट ट्यूटोरियल्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी ब्रॉड है, उसके बारे में हमें जानना ज़रूर चाहिए। जो भी वर्कर एक वर्क प्लेस पर काम करने जाता है उसे इस जगह के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आइए जानते हैं वर्क प्लेस सेफ्टी। चाहे घर हो या ऑफिस या फिर कोई इंडस्ट्रीज, कहीं पर भी अगर सामान बिखरा हो, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखा हो, तो वो हमेशा ही खतरे का सबब हो सकता है। उस सामान से ठेस लग के कोई गिर सकता है, या फिर कहीं ऑयल या वाटर गिरा है तो उस पर फिसलने का हमेशा डर बना रहता है। इलेक्ट्रिक पैनल्स के सामने रबर मैट का इस्तेमाल करें, खास तौर पे बरसात में जब मौसम में नमी होती है, पानी होता है, तो रबर मैट हमें करंट लगने से बचा सकता है। और रबर मैट का हम एक और जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पानी पीने की व्यवस्था हो, जहाँ पानी गिरता हो, वहाँ पर फर्श स्लिपरी रहता है, वहाँ अगर रबर मैट का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें गिरने से भी बचाएगा। वर्क प्लेस पे सभी को पता होना चाहिए कि कंबस्टेबल मटेरियल और फ्लेमेबल मटेरियल एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे रखा जाए, जहाँ पर आग लगने की संभावना ना बन सके, या फिर अगर कोई काम ऐसा हो रहा है जिसमें नेकेड फ्लेम इन्वॉल्व है तो इसे एक सेफ डिस्टेंस पर रखा जाए। वर्क प्लेस पे टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरी को यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने इस तरह की ट्रेनिंग नहीं ली होती है वो किसी भी तरह के इक्विपमेंट मशीनरी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर हैवी इक्विपमेंट की बात करें तो इसके लिए लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है। वर्क प्लेस पे कुछ मैंडेटरी पीपीज होती हैं और कुछ जॉब स्पेसिफिक पीपीज होती हैं। मैंडेटरी पीपीज सभी को पहनना होता है, जॉब स्पेसिफिक जो उस जॉब में, उस टास्क में इन्वॉल्व हो उनको पहनना होता है, जैसे कि वेल्डिंग करते वक्त हैंड स्लीव, लेग स्लीव, ग्लव्स और एप्रन वगैरह इस्तेमाल होता है। वर्क प्लेस पे जो हैजरस जोन्स हैं, जैसे कि जहाँ पे इक्विपमेंट कोई हैजरस रखा हो या फिर कोई मटेरियल रखा हो जो हैजरस हो सकता है, वो क्लियरली मार्क होना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर साइनेज होना चाहिए। हो सके तो वहाँ पे येलो और वाइट टेप से बैरिकेशन प्रोवाइड करें और इसे ट्रेनिंग में ज़रूर डिस्कस करें। वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट प्रोन जोन्स में फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, मूविंग व्हीकल्स में भी फर्स्ट एड किट होनी चाहिए और कुछ एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए। फर्स्ट एडर्स के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग नियम हैं, जैसे किसी इंडस्ट्रीज़ में 25 वर्कर्स पे बन हो सकते हैं, किसी पे 50 पे बन हो सकते हैं। वर्क प्लेस पे इमरजेंसी के सिचुएशन में कहाँ पर गैदर होना है, किसे कॉन्टैक्ट करना है, क्या इमरजेंसी प्रोसीजर है, सभी एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए। एक इमरजेंसी प्लान अवेलेबल होना चाहिए जिसके हिसाब से इमरजेंसी के कंडीशन में रिएक्ट किया जाए, ताकि सिचुएशन और पैनिक ना हो। एर्गोनॉमिक वर्क प्लेस को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे वर्क स्टेशन, ऑफिसेस जहाँ पर हम टेलीकाम करते हैं, वहाँ पर जो डेस्क है, जो चेयर है, जो लाइट्स वहाँ पे मौजूद है, जो सिस्टम है, जो मॉनिटर है जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो हमारे नीड के हिसाब से हो, हमारे लिए सूटेबल हो। लिफ्टिंग यानी किसी लोड को उठाना और कैरी करना। लिफ्टिंग बेसिकली दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक मैनुअल लिफ्टिंग कह सकते हैं, दूसरी मैकेनिकल लिफ्टिंग। मैनुअल लिफ्टिंग में जो वेट अगर कम है और रूटीन में नहीं है, डेली नहीं हो रहा है तो किया जा सकता है। और अगर वेयर हाउस है तो मैकेनिकल लिफ्टिंग की ज़रूरत होगी, इसके लिए हमें मैकेनिकल एड जैसे कन्वेयर या फिर फोकलिफ्ट वगैरह का इस्तेमाल करना होगा। सभी न्यू वर्कर्स की ओरिएंटेशन यानी इंडक्शन ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है, ताकि वर्क प्लेस पर जो जो हैज़र्ड मौजूद हैं, जो जो खतरे मौजूद हैं, उन सब के बारे में अवेयर हो पाएँ, जैसे कि फॉल फ्रॉम हाइट, केमिकल हैज़र्ड्स, फायर हैज़र्ड इत्यादि। किसी जॉब में अगर रिपीटेटिव वर्क इन्वॉल्व है तो उस जॉब को अलग अलग वर्कर और एम्प्लॉयज़ में रोटेट करते रहें, ताकि किसी भी वर्कर या एम्प्लॉयज़ को रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी का सामना करना ना पड़े। वर्क प्लेस पे जो टूल, इक्विपमेंट और मशीनरी यूज़ हो रही है उसका इंस्पेक्शन रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। पहले तो उसके द्वारा जो उसे डेली इस्तेमाल कर रहा है, और उसके बाद एक कंपिटेंट पर्सन से अगर नीड पड़ती है किसी मेंटेनेंस की तो एक कंपिटेंट पर्सन से, और अगर किसी पार्ट का रिप्लेसमेंट होना है तो वो एज पर मैन्युफैक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए। वर्क प्लेस पे स्ट्रेस कई कारणों से हो सकता है, ओवरलोड वर्क से, इम्प्रॉपर रिसोर्सेज से, या फिर किसी स्टाफ के द्वारा बुलिंग करना, डराना, धमकाना, मल्टीपल टास्किंग, कन्फ्लिक्ट जॉब या जॉब की इनसिक्योरिटी भी स्ट्रेस का रीज़न हो सकती है। वर्क प्लेस पे या इंडोर वर्क हो या आउटडोर वर्क हो, इंडोर वर्क वालों को भी नीड है कि वो अपने आप को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और आउटडोर वर्क के लिए तो मस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और ख़ुद को डिहाइड्रेशन से बचाएं। वर्क प्लेस पे हमें रेगुलर ब्रेक लेते रहना चाहिए, ताकि हम नई एनर्जी से दोबारा वर्क कर सकें और हमारी बॉडी पोस्चर भी चेंज हो जाए ब्रेक लेने से, ताकि हमें किसी तरह की रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी का सामना ना करना पड़े। वर्क प्लेस पे कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है, इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए हमें। हमें ये जानकारी रखनी चाहिए कि फ़र्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर है, इमरजेंसी की सिचुएशन में हम किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता होनी चाहिए।
फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।